रेल में बड़ी मात्रा में अवैध रूप से गांजा तस्करी कर रहे युवक को पुलिस ने दबोच लिया। थाना बोधघाट जगदलपुर को सूचना प्राप्त हुआ था, एक व्यक्ति जिसका रंग सांवला है, लंबे बाल हैं, मूछ रखा हुआ है और दुबला पतला लड़का है। ट्रेन नंबर 08551 विशाखापट्टनम किरंदुर पैसेंजर में बैठा है। अपने पास पीला कलर के बोरी में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखकर परिवहन कर रहा है। सूचना पर पुलिस अधीक्षक सलभ कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन में टीम गठित की गई। थाना प्रभारी बोधघाट लीलाधर राठौर के नेतृत्व में टीम रवाना किया गया। रेलवे स्टेशन जगदलपुर में पहुंचकर घेराबंदी किए। संदेह के आधार पर एक व्यक्ति को पकड़ पूछताछ करने पर पता चला उस व्यक्ति के नाम करण, पिता बक्सी, उम्र 26 साल, निवासी सी 126 डिवीजन 4 कठपुतली कॉलोनी पांडव नगर पटेल नगर एसओ दिल्ली का होना बताया है। जिस पास में रखे एक पीला कलर की बोरी की तलाशी ली गई, इसमें से 12 किलो 100 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा मिला है। इस संबंध में पूछताछ करने पर गांजा रखने का वैधानिक प्रत्युत्तर नहीं दिया गया। गांजा को उड़ीसा से बिक्री करने के लिए परिवहन करना बताया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है।